स्नेह बंधुओं, एक लाइन आप लोग पढ़ते हैं। करते तपसैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान पिया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। लाइन गाते तो हैं, लाइन गाने में बहुत अच्छी लगती है। करते तपसैल नदी तट पर, अर्थ समझ में आता है इसका? करते तप शैल, शैल यानी पर्वत, नदी का किनारा, नदी तट पर। करते तप शैल, तप शैल, शैल यानी पर्वत पर, नदी तट पर। तरु तल वर्षा की घड़ियों में, झड़ियों में। तरु यानी वृक्ष, तल यानी वृक्ष के नीचे, और झड़ियों मतलब बारिश। किसकी झड़ी लगी है? बारिश की। इस लाइन में बताया गया है कि मुनिराज तप करते हैं। कहाँ करते हैं वो स्थान बताया गया है। तप शैल, शैल यानी पर्वत पर कब करते हैं? जब जून के महीने की गर्मी होती है। कब करते हैं? जब जून के महीने की गर्मी होती है। नदी तट पर, नदी के तट यानी किनारे पर कब करते हैं? जब माघ और पौष की ठंड होती है। और पेड़ के नीचे कब करते हैं? जब बारिश का मौसम होता है। तीनों परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बोलिए, है कि नहीं है? आपकी भी, आपको धूप लग रही क्या? ये कौन से महीने की धूप है? माघ की है, तो सर्दी की धूप है। फागुन की धूप है, फागुन चल रहा है, फागुन की धूप है। ये तो अभी बड़ी धूप है ही नहीं। मतलब एक लाइन में लिखने वाले ने बात बड़े तरीके से, बहुत अच्छी तरह से लिखी है। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान पिया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। कथनी और करनी, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। कहना और करना, लाइन पढ़ के आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अरे हमारे मुनिराज हैं। लेकिन कभी एक घंटा धूप में बैठना पड़ जाए, तब मुनिराज को याद करो। तब मुनिराज याद नहीं आते हैं, तब तो अपना शरीर, ये बहुत धूप हो रही है, इतनी भी व्यवस्था नहीं करी है, पता नहीं इतनी धूप में कम से कम टेंट तो लगा देते। बोलिए, आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? हाँ, इतना तो ध्यान रखते, कम से कम माता जी का प्रवेश था, इतने लोग आएंगे बैठेंगे, धूप लगेगी, तो कम से कम टेंट तो लगाना चाहिए था, इतनी भी व्यवस्था नहीं करी। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को सहज भाव में रखा जाए, इस बात को जीना यदि आ गया तो घर गृहस्थी सुखी हो जाएगी। घर गृहस्थी में भी क्या होता है, जरा सी प्रतिकूलता मिलती है तुरंत उबल जाते हैं, तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, तुरंत डांटने लगते हैं, तुरंत चिल्लाने लगते हैं, हर चीज का रिएक्शन एक क्षण में शुरू हो जाता है। जब एक्शन हुआ है तो थोड़ा उसको जमने दो, बर्फ है, बर्फ को जरा डालते हो मशीन में, फ्रीज में रखते हो, फ्रीजर में रखते हो, तो जमने में टाइम लगता नहीं लगता है? आप एक मिनट में तो ठंडे हो जाते हो, और एक मिनट में पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, लेकिन आपको गर्म होने में टाइम नहीं लगता है। पता नहीं कौन सी वाला गैस आपके अंदर में है, कौन सी अग्नि जल रही है आपके अंदर में, जो एक सेकंड में गर्म हो जाते हो, और ठंडा होना हो तो जाने कौन सा फ्रीजर है आपके पास में कि एक सेकंड में ठंडे भी हो जाते हो। समता रस पान पिया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। समता रस, कौन सा रस? समता रस। कथनी और करनी में अंतर है, क्या कहा था मैंने? कथनी और करनी में अंतर है।
उपवास करना अच्छा होता है, कहने में क्या लगा? अरे बोलिए ना, कुछ लगा क्या कहने में? उपवास करना अच्छा होता है, करना चाहिए, लेकिन जब करोगे तब? कहने में फीलिंग और करने में फीलिंग, दोनों में अंतर है। चर्चा और चर्या में अंतर है। चर्चा का मतलब होता है ज्ञान और चर्या का मतलब होता है चारित्र। दो चीजें हैं, चर्चा का मतलब ज्ञान और चर्या का मतलब चारित्र। जो चीज बोला है वो जीवन में उतर जाए। स्वाध्याय करना और स्वाध्याय में जो लिखा है उसका पालन करना, दोनों में अंतर है। भगवान महावीर ने अपने जीवन में कोई शास्त्र नहीं पढ़े, एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा, शास्त्र थे ही नहीं उस समय, और बिना पढ़े उनको केवल ज्ञान हो गया। बोलिए, बिना पढ़े केवल ज्ञान हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, बिना पढ़े केवल ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बस यही तो दिक्कत है, भगवान के दर्शन करते हो, फीलिंग नहीं लेते भगवान की। भगवान के दर्शन के बाद जरा प्रश्न करो भगवान से कि भगवान आप भगवान कैसे बने, भगवान आप भगवान कैसे बने? हम तो पढ़ के भी बुद्धू हैं, और एक शास्त्र भी क्या, हमने तो कई शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन इतना ज्ञान हमें नहीं हुआ, और आपको तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, आपको तीनों कालों का ज्ञान हो गया। आपने कभी भगवान जी से पूछा नहीं, भगवान जी आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? मंदिर क्यों जाते हो? बोलिए, क्यों जाते हो मंदिर? क्या देखने जाते? किसको देखने जाते हो? कुछ पढ़ने जाते हो? क्या करने जाते हो? पढ़ने जाते हो। क्या पढ़ने जाते हो? भगवान को पढ़ने जाते हो। दर्शन का क्या मतलब होता है? दर्शन और ज्ञान, दर्शन हुआ और ज्ञान नहीं हुआ तो दर्शन में अभी विशेषता नहीं है। अभी आप कोई यहां से जाती हुई गाड़ी देख तो लो बढ़िया सी, दर्शन भी हो गया और ज्ञान भी हो गया, कितने की होगी? हाँ, ये इतने तक की तो होगी होगी, दर्शन भी हो गया और ज्ञान भी हो गया। पीछे पर उसकी नेम प्लेट देखी, RJ, अच्छा राजस्थान की है, अच्छा वो भी ज्ञान हो गया आपको, अच्छा उसका और नंबर देखा, अरे ये नंबर तो उदयपुर का है, इतना ज्ञान और हो गया आपको, अरे उदयपुर में तो हमारे वो रहते, लगता उनकी गाड़ी जा रही है। वाह, आपने दर्शन के बाद गाड़ी का इतना ज्ञान कर लिया, कितने होशियार हैं आप। अभी आप मार्केट से निकल रहे हो और साड़ी बाहर टंगी है, साड़ी तो बढ़िया लग रही होगी, 5,000 की तो होगी होगी, दर्शन भी हो गया और ज्ञान भी हो गया कि आपने क्या दर्शन किया और कितना ज्ञान कर लिया। कितने होशियार हैं आप, दूर से देख के गाड़ी का बता देते हैं, दूर से देख के आप कपड़ों का बता देते हैं, और कुछ लोग तो पता अपनी होशियारी का क्या नमूना देते हैं, अरे हम तो उड़ती चिड़िया परख लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, आप हमें समझते क्या हो? हम कोई उद्दू बुद्धू नहीं है, हम तो उड़ती चिड़िया परख लेते हैं। अब आपकी होशियारी यहां देखूं, आप बचपन से मंदिर गए हैं, आज तक भगवान को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भगवान के दर्शन तो किए, भगवान के दर्शन के बाद ज्ञान आया कि नहीं आया? यदि भगवान के दर्शन किए और ज्ञान नहीं किया तो अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने भगवान की प्रतिमा को नहीं पढ़ा तो आपने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। आपने गाड़ी पढ़ ली, आपने कपड़े पढ़ लिए, आपने ज्वेलरी पढ़ ली, आपने दुकानें पढ़ ली, अभी किसी के घर में जाओगे हैं, किसी का वो हुआ, वो होता ना नांगल, यहाँ नांगल बोलते राजस्थान में, है ना, उद्घाटन होता है जब मकान का, गृह प्रवेश, बहुत बढ़िया सुंदर शब्द लाए संस्कृत का, गृह प्रवेश होता है, जाते हो गृह प्रवेश में, भाई रिश्तेदार हैं जाना पड़ेगा, माताजी का प्रवचन भी चल रहा हो तो नहीं भाई मुझे तो गृह प्रवेश में जाना है। अब गृह प्रवेश में गए, अब प्रवेश करवाने गए थे, उसके घर की एक एक चीज नाप के आ गए आप, टाइल लगाई है वहाँ इतने वाली है, ये सोफा ये भी इतने तक का तो हो गई होगा, किचन
हाँ किचन में इतना तो खर्चा कर ही दिया इसने, है लैट बात भी देख के आते खोल खोल के, खोल खोल के लैट बात देख के आते हो, क्या लगाया लैट बात में, कौन सा नल लगाया है, कौन सी टाइल लगाई है, कितने होशियार हो। और भगवान को देखना नहीं आता आपको, दुनिया के घर देखने आते हैं, दुनिया के मकान देखने आते हैं, दुनिया का कपड़ा देखना आता है, दुनिया की सारी चीज देखने आती है। और जो सबसे सुखी आत्मा इस दुनिया की है, जिनसे ज्यादा सुखी संसार में, संसार के वो तो मोक्ष में चले गए, लेकिन जिनसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं है, उन्हें देखना नहीं आया आपको। यदि उनको देख लिया होता तो सुखी हो गए होते। दुखी क्यों है? अरे जब हमने मकान बनाया था ना, तब ये चीज चलती नहीं थी, नहीं तो हम अपने मकान में भी यही लगाते। अब उसका तो उसने तो लगा लिया, उसका उसने तो लेट बनाया, और देवरानी जेठानी का हो जाए फिर तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। बंधुओं, भगवान महावीर ने अपने जीवन में कोई शास्त्र खोलकर नहीं पढ़े, उनको केवल ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? चारित्र। क्या? उन्होंने आत्मा का दर्शन किया, तपस्या की, ध्यान किया, और ज्ञान तो उनके पास में पिछले जन्म से आया था। पिछले जन्मों में भी तपस्या करी थी। बहुत सारे मुनिराज आपने देखे होंगे, जैसे आचार्य विशुद्ध सागर जी स्वयं बताते हैं, बोले जब मैं ब्रह्मचारी था तो मुझे याद नहीं होता था। जब आचार्य से याद करने को देते थे तो मुझे याद नहीं होता था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद आज देखो उनका ज्ञान, अच्छे अच्छे उनके ज्ञान के पीछे छोटे पड़ जाएंगे कि कहाँ से आया। जैसे ही दीक्षा ली, तपस्या करी, विशुद्धि आई, और जैसे ही विशुद्धि आई ज्ञान अपने आप निखर निखर के बाहर आने लगा। कैसे आया ज्ञान? जो ज्ञान तपस्या से आता है वो सच्चा भी होता है, खरा भी होता है, और जो शास्त्र में पढ़ा जाता है ना उससे ज्यादा हो जाता है। जो मैंने कहा कि कथनी और करनी में अंतर होता है, कहना अलग बात है और करना अलग बात है। कष्ट सहन के लिए जो आपने राम सीता को रामायण तो देखी होगी ना, हैं कितने कष्ट सहन किए उन्होंने, वनवास में गए कि नहीं गए, और आपको जंगल भेज दिया जाए तो, अरे बोलिए ना, यदि चलो महिलाएं बैठी, आपके पति को जंगल भेज दिया जाए आप साथ में जाओगी? हैं? ऐसा करो आप मोबाइल ले लो, रिचार्ज मैं करवा दिया करूंगी, फोन पे बात कर लिया करो। अब जंगल कौन जाए, वहां मच्छर भी है, मक्खी है, धूप पड़ेगी, वहां बारिश होगी, जंगल में, जंगल का जीवन कोई जीवन होता है? इतने कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। आप तो मोबाइल ले लो, बात कर लिया करें, कोई जरूरत हो तो बताना, भेज देंगे किसी के हाथ से सामान वगैरह, और वीडियो कॉलिंग और कर लेंगे। हैं? राम सीता, राम जंगल गए, सीता ने कष्ट नहीं देखा जंगल गई, लक्ष्मण ने कष्ट नहीं देखा जंगल गई। चर्चा करना और चर्या करना दोनों में महान अंतर है, हैं? जिनके चेहरे पर मुस्कान और पांव में छाले हैं, वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं, वास्तव में वही भगवान महावीर को मानने वाले हैं। विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपने जीवन को समता में कैसे लाया जाए, इस बात का ज्ञान करना ये जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास करना है। यदि इस परीक्षा को पास कर लिया तो समझना कि धर्मात्मा बन गए, भगवान को देख लिया, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का ज्ञान हो गया। और जरा जरा सी बात में गुस्सा किया, क्रोध किया है, स्वयं परेशान हुए, दूसरों को परेशान किया, और अब मैं जरा जरा सी बात में, धर्म कब काम आएगा? अरे बोलिए ना, अब जयपुर आई हूँ, कहाँ से आई हूँ? जहाजपुर से आई हूँ। कहाँ से आई हूँ? जहाजपुर से। क्या करवाने आई हूँ?
जहाजपुर में तो तीर्थ बना था, अब आपको तीर्थ बनाने आई हूं। उस तीर्थ को तो भारतवर्ष ने मिलकर बना दिया, लेकिन ये तीर्थ आपको खुद बनाना पड़ेगा। हर आत्मा तीर्थ है। भगवान क्या है? तीर्थंकर है। जहां भगवान रहते हैं वो तीर्थ बन जाता है। ऐसे ही वो जो भगवान की आत्मा है वैसे ही हमारी आत्मा है। जैसे वो तीर्थ बन गए, क्या हमारे तीर्थ नहीं बन सकते? पहले हम खुद तीर्थ बने। क्या? पहले हम खुद तीर्थ बने, तब जाके बाहर तीर्थ बनता है, तभी तिरा जाता है। तो जयपुर आने का 25 नवंबर को बिहार किया था, लेकिन भगवान जी ने, आपके पड़ोस में है ना अतिशयकारी भगवान जी, कौन से भगवान जी हैं? एक भगवान अतिशयकारी मिले, मुनि सुब्रतनाथ जी, तो पूरा तीर्थ ही बन गया। अब 75 साल पहले भगवान निकले थे, अब मेरी उम्र तो अभी छोटी है, 75 साल की नहीं है, तो भगवान ने फिर और पद्म प्रभु भगवान ने भी सेवा का मौका दिया, 24 का निर्माण अब वहाँ पर हो रहा है। तो वहाँ पर भगवान जी ने मुझे रोक लिया, नहीं नहीं अभी कहीं नहीं जाना, मैं तो एक दिन का प्रोग्राम बना के आई थी, लेकिन भगवान जी ने कहा नहीं अभी नहीं जाना। 46 दिन वहाँ रुके। आप 46 बार तो हो आए होंगे ना, अब मैं तो पैदल वाली हूँ, बार बार तो जा नहीं सकती हूँ, इसलिए भगवान ने कहा इकट्ठी रुक जाओ, तुम बैठ जाओ यहीं। और उसके बाद अब जयपुर आना हुआ, और जयपुर में सबसे पहले एक ही उद्देश्य है, अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना। और मैंने जो विचार किया कि जयपुर में, यहाँ माताजी हैं, अभी हमारी पार्टी ज़्यादा है अभी जयपुर में, 4-5 संघ हैं, तो मैंने मन में विचार किया कि जो जितनी माताजी हैं हम सब सारे इकट्ठे होकर के विधान करवाएंगे। और जो जितनी आरिका माताजी हैं, तो आरिका माताजियों को निमंत्रण दिया है ना? कौन सी माताजियों को? अरे जोर से बोलिए ना, आरिका माताजियों को निमंत्रण दिया है। अब मैं दूसरा निमंत्रण बच्चों की माताजियों को भी दे रही हूँ, और बच्चों के पिताजी को भी, जोड़ा चाहिए ना, बिना जोड़े के कैसे नहीं हो, कैसे होगा विधान? श्रीपाल और मैना सुंदरी, जोड़ा था ना, अरे बोलिए ना। देखो और कोई विधान होता है तो उसमें इंद्रानी बनते हैं, क्या बनते हैं, हालांकि इस विधान में भी बनेंगे तो इंद्रानी जो पात्र होंगे, लेकिन मैं तो ये चाहूंगी जितने यहाँ श्रीपाल मैना सुंदरी हैं वो सारे विधान में बैठे। और 256 मंडली, प्रत्येक व्यक्ति अपना विधान, स्वयं का विधान, पूरा विधान, बड़ा मुश्किल है करना, ज़्यादा हो तो एक थाली से दूसरी थाली में लेकर पढ़ लिया और कर लिया, लेकिन मंडल बना करके पूरा अपना विधान करना, ऐसा बड़ा मुश्किल समय होता है, उसमें बड़ा खर्चा आता है, लेकिन इस खर्चे को थोड़ा कम कर दिया गया, कम नहीं बहुत कम कर दिया गया है, यानी 256 मंडली, अपना अपना मंडल बुक करो और अपने अपने विधान में बैठो। एक तसल्ली रहेगी कि अपने मंडल पर मैंने पूरे अर्घ चढ़ाए। किसी भी कहीं भी आप विधान में बैठते हो, पूरे अर्घ चढ़ाने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये विधान ऐसा होगा जिसमें आप अपने मंडल पर पूरे अर्घ चढ़ाएंगे। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो, जब तक गृहस्थी है तब तक फुर्सत तो मिलने वाली है नहीं है, फुर्सत तो निकालना पड़ता है। अभी भी बैठे हो ना, फुर्सत निकाली ना, यदि मैं नहीं आती तो क्या कर रहे होते? कोई दुकान पे होता, कोई घर में अपने नमों से दाड़म कर रहा होता है, तो फुर्सत निकालने से मिलेगी।
और आज यहाँ पर शिवपुर में प्रवेश करवाया। मैं तो जानती नहीं थी भाई जयपुर पहली बार आई हूँ। बोले माता जी शिवपुर प्रवेश करें, मैं ठीक है। माता जी यहाँ चलना, मुझे ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही ये प्रोग्राम फाइनल हुआ कि माता जी जयपुर जा रही हैं, तो ये बात बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर जागृति बहुत अच्छी है। जैसे ही मैंने टोंक प्रवेश किया, वहाँ से मुझे लोगों के अंदर एक भक्ति और एक चेतना जागृत मिली है। और जयपुर आते आते तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं भक्तों की नगरी में, चतुर्थ काल वाली नगरी में आ गई हूँ। बड़ा बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि साधु के प्रति इतना टाइम निकालना एक अंदर में भक्ति है, तभी आप कर सकते हैं। बिना भक्ति के कुछ भी होने वाला नहीं है। और आज पता नहीं कितने जगह के जन समाज आई हुई है, कितने अध्यक्ष बैठे, हाथ उठाना। अध्यक्ष अध्यक्ष 1 2 3 4 5, अच्छा 25 अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद में कितनी कमेटियाँ बैठी हुई हैं, वो हाथ उठाए। सारी कमेटियाँ ही बैठी, तो मुझे लगता है सारी क्रीम क्रीम आई है क्या जयपुर की। बाकी अपने सबको छोड़ा है, अपने अपने परिवार मतलब समाज वालों को। अभी हम माती से बात कराएं फिर तुम्हें, सब आ जाते तो आपको मौका कहाँ से मिलता। इसलिए आप अकेले अकेले चले आए हैं अभी तो कमेटी को लेकर के। समाज थोड़ी थोड़ी साथ आई, अभी मुझे पूरी नज़र नहीं आ रही है। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं कि माता जी कब आएंगी, कितने तारीख को आएंगी, फिर वहाँ क्या करना है। तो काफ़ी चर्चा हुई कीर्ति नगर में भी, काफ़ी कीर्ति नगर के अध्यक्ष मंत्री और की कमेटी से चर्चा हुई, वरुण पथ के अध्यक्ष मंत्री से भी चर्चा हुई, और चित्रकूट के अध्यक्ष मंत्री से भी कई बार चर्चा हुई, और गोवर्धन नगर के अध्यक्ष मंत्री से चर्चा हुई। तीन सेक्टर वाले तो शाम को पहुंच गए माता जी। मैंने कहा अभी रुको, अभी समता, मैंने कहा अभी समता है। और काफ़ी महिला मंडल है, पुष्पा जी का महिला मंडल है, शीला जी का महिला मंडल है, हाँ शीला जी 8 सेक्टर महिला मंडल। और एक बात बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि यहाँ प्रताप नगर में एकता बहुत ज़्यादा है, ऐसा बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी काले सिर वालों को एक कर देना बड़ा मुश्किल है। 100 भेड़ को एक आदमी हांक सकता है। अरे बोलिए ना, आगे समझ गए आप सारा, कुछ तो ना बोलूं मैं, नहीं बोलती हूँ हैं। लेकिन आप प्रताप नगर की एकता आप ऐसे ही बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। और प्रताप नगर तो छोड़ो, मैं तो चाहती हूँ पूरा जयपुर एक हो जाए, क्योंकि ताकत मुट्ठी में है। यदि किसी को एक एक उंगली से मारोगे कितनी चोट लगेगी, फिर पूरे थप्पड़ से मारो चोट उससे ज्यादा लगेगी, और फिर नहीं, कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझ जाते हैं। इस मामले में बड़े होशियार हैं आप। और चंद्र प्रभु नवयुवक मंडल, संपूर्ण महिला मंडल, दक्षिण संभाग की एकता के लिए आशीर्वाद है, हैं? तो बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ करके, बड़ा आनंद आया। अभी तो आई हूँ, आपने तो मुझे जहाजपुर में देख लिया था, है ना। सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे, नहीं आप मेरे साथ चलना, आपकी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, तो एक पंथ दो काम हो जाएंगे। और अभी हमारी शिप्रा जी, पता नहीं इनका नाम साक्षी याद आता है मुझे, हैं, शिप्रा जी टोंक में मिली थी जिला कलेक्टर, और एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने अपने बच्चों को, ऐसा बनाएं कि उन्हें हम मंच पे बिठा सकें, अग्रिम पंक्ति में बिठा सकें। उसके साथ में हमारी एक बहन और हैं शशि जी, और इन ये भी चीफ अकाउंट ऑफिसर है, बहुत बढ़िया। आप तो ताली बजा के ही सारा ले लो। और मंच पे और भी हमारे सभी बैठे हैं, और यहाँ जो प्रवास समिति, जो वहाँ से पूरा बिहार समिति बिहार करवाते हुए ला रही है, हैं, कमल बाबू, रमेश जी, शिखरचंद जी, विनोद जी, प्रदीप जी, चेतन जी, हैं, और बीच बीच में मिलते हुए फिर हमारे भारत भूषण जी,
और हमारे पदमपुरा की कमेटी के और भी मेंबर सब बीच बीच में मिलते रहे, फिर साथ साथ में चलते रहे। तो और छोटे गिरनार भी यहाँ पर बैठा है, अध्यक्ष मंत्री क्यों कहूँ, छोटा गिरनार यहाँ बैठा है, आप देखोगे तो आपको भी यही लगेगा। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जब वहाँ पर युवा सम्मेलन हुआ था जहाजपुर में, तब आपके यहाँ से काफ़ी वरिष्ठ लोग गए हुए थे, यश कमल जी, 6 बसें गई थी उस समय, एक बार 25 बस गई थी, है ना। जहाजपुर तो आपके दिल में बसा हुआ है, अब जहाजपुर तो वहाँ है, मैं आ गई यहाँ पर। तो अभी समय बहुत हो रहा है, चर्चाएं आपसे करती रहूँगी। अभी प्रवेश हुआ है, अभी क्या बोलूँ आपसे, अब आपको घर में नहीं बैठना, बस एक बात मान लो, जब तक मैं यहाँ हूँ आप फटाफट बनाओ खाओ, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ भाग के आ जाओ। चलने में माता जी, आप जा भी जाओगे वहाँ सब जगह मम्मम की व्यवस्था बनाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी आप जा जाओगे वहाँ मम्मम सबको मिलेगा। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 60 दिन या 50 दिन रोज इसकी व्यवस्था हो जाए तो बिहार में आनंद आ जाए। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान के निकलने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी ये मंगल यात्रा का बड़ा ही महत्व है, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। अब तो जयपुर में मैं ही आई हूँ, आपका महत्व नहीं, आप स्वस्ति भूषण माता। मैं जहाजपुर में कहती थी आने वालों में जयपुर का, अब मैं थोड़ी कहूंगी। और हमारे भाई सत्येंद्र नहीं, नरेंद्र जी, सारे इंद्र हैं यहाँ तो। तो इनका भी यहाँ एक जयपुर में बहुत अच्छा एक बना हुआ है कि इनकी आवाज़ से सभी प्रभावित हैं, और बहुत अच्छे हमारे समाज में एक कलाकार के रूप में उभर कर आए। एक बार जोरदार दौर इसके लिए तालियां बजाएं। संजय जी जैन हैं, जयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष संजय जी जैन, उनको बुला लो। संजय जी जैन पूर्व अध्यक्ष जयपुर शहर के, पधारे भाजपा के। गोपाल जी सैनी भी साथ में आ जाए, श्रीफल देना। हेलो, राकेश जी गोदा वो भी आ जाए, पिंक सिटी सोशल न्यूज। आज का नियम, थाली में जूठा नहीं छोड़ना है। हाँ। आज का नियम है थाली में जूठा नहीं छोड़ना है, और जो छोड़ेगा वो 21 माला नमोकार मंत्र की फेर लेना। और मैं कुछ महीने पहले यहाँ आया था, माताजी जब यहाँ थी, और मैं सुन रहा था केवल कि एक जहाजपुर क्षेत्र बनाया है, बहुत ही सुंदर, बड़ा अच्छा बनाया है। तो मैंने कहा क्षेत्र तो हिंदुस्तान में लगातार बनते जा रहे हैं, हमारे आचार्य भगवंत और महाराज सब बना ही रहे हैं, तो फिर भी हमने देखा चलो एक बार दर्शन करने चलते हैं। और उस दिन संयोग से यहाँ पर पत्रकारों का वो सम्मेलन था, और वो दिन में 3-4 सम्मेलन थे, तो ये हाल में आपको दर्शन करने की भी समस्या थी, वहाँ खड़े होना पड़ता था, इतनी यहाँ पर भीड़ थी। और हमने माता जी के दर्शन करे, पहली बार मैंने माता जी के दर्शन करे, वो इतनी वात्सल्यमयी माता जी और इतनी सुलझी हुई कि मैं बहुत सालों से, तो जब माताजी से मैं पहली बार मिला तो मैं बहुत साधु भगवंतों के सानिध्य में पिछले 20 साल से काफ़ी रहता हूँ जुड़ा हुआ। मैं पुलक सागर महाराज ने एक तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं, उसका महामंत्री हूँ वहाँ पर जिनशरणम का, और सिद्ध क्षेत्र पावागिरी उनका अध्यक्ष भी हूँ, और हमारे जहाँ मैं रहता हूँ इंदौर में उस कॉलोनी में भी मंदिर है, वहाँ उसका अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ महामंत्री हैं वहाँ के। तो जब मैंने माताजी को पहली बार देखा तो मैं इतना प्रभावित हो गया, मैं इतना मतलब इतनी सुलझी हुई माताजी, इतना वात्सल्यमय। मैं एक विमल सागर महाराज के साथ कभी उनको जब मैं देखता था तो जैसा वात्सल्य उनमें रहता था, माताजी इतनी सरल। उस दिन यहाँ पर मतलब भोजनालयों के अंदर भी सोने की जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन मेरे को महावीर जी जाना था, माताजी ने कहा थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, बोले नहीं अभी इतनी रात में अब महावीर जी नहीं जाओगे, पट्टी पेम पे लिख दिया उन्होंने, मौन रहता है माताजी का। भगवान की उपस्थिति, भगवान की प्रतिमा जहाँ प्रकट हुई वहाँ हरेक के भाव, जमीन वाला हो
चाहे बाकी जो भक्त आते हैं उनके सबके इतने भाव होते हैं, चमत्कार उसी को कहते हैं। चमत्कार में यहाँ कोई अपने को जादू होता हुआ नहीं दिखता है, जहाँ जाके आपका मन ही परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ जाकर के सबका बार बार भाव होते हैं कि आके मस्तक दिखाएं, इसका मतलब वहाँ पर चमत्कार है। और क्यों हम आ रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ आके अच्छा लगता है, अच्छा लगना ही तो हमारा पुण्य है, वही तो भला है मतलब। तो इतना चमत्कारिक जगह पर आज हमको अभिषेक और संतरा करने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत धन्य अपने आप को मानता हूँ। देखिए, मैं 8-10 साल पहले जब यहाँ आई थी तो टीन शेड के उसमें भगवान विराजमान थे। उसके बाद मुझे आज आने का मौका मिला, जब हमने पहली बार प्रतिमा देखी और उसके 4 दिन पहले ही कुछ अतिशय हुआ था कि भगवान की आँखों में से अश्रुधारा आ रही थी, अभिषेक हो रहे थे, तो वो देखा था। तो वो बोले 4 दिन पहले अगर आते आप तो आपको एक अलग ही आनंद आता। मैंने कहा हमारे भाग्य में नहीं होगा, इसलिए हम नहीं आए। लेकिन 8 साल बाद जब हम यहाँ आ जाए हैं तो मंदिर का और यहाँ का जो भव्य रूप देखकर बहुत ही आनंद हुआ। और आज शांति धारा का सौभाग्य भी माता जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और यहाँ मंदिर में आकर एकदम मन प्रसन्न हो गया। जो यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और सबसे बढ़िया जो मंदिर का निर्माण हुआ है, निर्माण में आप देखोगे एक एक चीज़ माता जी ने कैसे सोच समझ के और कितने सुंदर तरीके से बनाया है, ऐसे शायद ही कोई मंदिर अभी होगा यहाँ। तो मैं माता जी के चरणों में वंदामी करती हूँ। जय जिनेन बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनिश्वतनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनिश्वतनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनिश्वतनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें, अपने परिवार की फोटो भी भेजें, उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।
विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।